क्रिकेट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या UPI के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सोहम बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोहम बीज मंत्र के द्वारा हम अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। सोहम जो बीज होता है ये हर तरह के बीज में सर्वोपरि होता है, इसे महाबीज मंत्र भी कहते हैं। कहते हैं ना, सोहम बीज मंत्र के बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती है। सोहम बीज मंत्र को माता गायत्री की प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। जिसने सोहम बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया उसके जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता, फिर चाहे वो धन के रूप में हो, शत्रु के रूप में हो, शारीरिक बीमारी के रूप में हो, किसी भी तरह के रूप में उसकी सुरक्षा होती ही रहती है। अगर सोहम बीज मंत्र की व्याख्या करें तो इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये हर तरह की साधना में सिद्धि दिलाती है। जिसने सोहम बीज मंत्र का जाप कर लिया उसके बाद आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो उसमें सफलता का प्रतिशत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो उन्नति है ये दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। परिवार के क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, संकल्प शक्ति बहुत ही मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते और इसलिए ऐसे व्यक्तियों को उनका मंजिल जरूर मिलता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचते ही हैं। अगर नौकरी के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहां पर भी वे उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाते हो वहां पर आपको लोग जानते हैं, फिर चाहे आप व्यवसाय के क्षेत्र में हो, इतनी तरक्की पर पहुंचते हैं कि लोग आपको जानने लगते हैं। इस तरीके की कोई भी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काम करें, समाज में लोग उनको पहचानने लगते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड रूप से काम करने वाला बीज मंत्र माना जाता है। तो आज जानते हैं इस बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े, ये दो कलर के कपड़े न पहने। उसके अलावा किसी भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, चाहे सफ़ेद कपड़े हों, ऑरेंज कपड़े हों, लाल कपड़े हों, किसी भी रंग के कपड़े हो सकते हैं, लेकिन ब्लू और ब्लैक, काला और नीले कलर के कपड़े से बचें। शांत होकर बैठ जाएं, दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। पिंच करने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इसके बाद इसको मृग मुद्रा कहते हैं, ये मृग मुद्रा बनाएं। देखें इस तरीके से, ये उंगली देख लीजिए, ये इस तरीके से, इसको कहते हैं मृग मुद्रा। ये मुद्रा बनाने के बाद सोहम बीज मंत्र का उच्चारण करें, यानी सोहम सोहम सोहम। याद रखें, सो को जरा देर तक बोला जाता है, फिर हम को जल्दी समाप्त किया जाता है, यानी ऐसे सोहम सोहम सोहम। बस ये मुद्रा लगाकर आपको 10 से 15 मिनट इस मंत्र का जाप करना है। आप किसी माला से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर माला से मंत्र का जाप करेंगे, एक हाथ से मुद्रा लगाइए और एक हाथ से मंत्र का जाप करिए, लेकिन याद रखें जो माला है रुद्राक्ष की माला नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी की माला हो
किसी भी धातु की स्टोन की माला हो चल जाएगा। खाली रुद्राक्ष को छोड़कर किसी भी माला का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप इस मुद्रा के द्वारा अभ्यास करते हैं तो 15 मिनट सिर्फ सोहम सोहम बीज मंत्र का जाप करें, और अगर अगर आप माला से मंत्र का जाप करते हैं तो 5 माला रोज मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप आपको 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। अगर आपको और भी आगे बढ़ना है तो 21 दिन की तुलना में आप आगे फिर वापस अभ्यास शुरू कर सकते हैं अपने फायदे के हिसाब से, लाभ के अनुसार। तो ये 21 दिन का अभ्यास है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें, और दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। हाँ, किसी कुंवारी कन्या को फल उस वस्त्र दान कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी जो सोच है, जो जिसको हम संस्कार कहते हैं, मनुष्य के अंदर बहुत सी गंदगी जमा रहती है, आत्मा दूषित रहती है, कि ये सब स्वच्छ हो जाता है, मन निश्चल हो जाता है, जो गंदगी है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हर तरह का कार्य करने में आपको आनंद आता है, आपका व्यवहार बदल जाता है। शॉर्ट टेम्पर, गुस्से, बात बात में गुस्सा आ जाना, बात बात में लड़ाई करना, झगड़े करना, किसी से ठीक ढंग से बात नहीं करना, ये स्वभाव में आपको स्वयं अंतर दिखाई देगा। और आपको लाभ कंटिन्यू चाहिए तो 21 दिन के हिसाब से फिर वापस अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको 21 दिन के अभ्यास के बाद ही बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सिंपल नियम है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनिवार रविवार को छोड़ के किसी भी दिन से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बीज मंत्र आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है, आपके मन को शांति देता है। अगर इस मंत्र से आपको लाभ मिले तो आप इसके द्वारा किसी की मदद करें, किसी को बताएं, किसी को सिखाएं। धन्यवाद।